हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं तत्काल टिकट के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल तत्काल टिकट बुकिंग करते समय कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और आजकल तो तत्काल टिकट बुक भी नहीं हो रहा है, वो चाहे एजेंट आईडी से हो या पर्सनल आईडी से हो। मैं इसके दो दिन तीन दिन पहले एक और वीडियो बनाया था स्लीपर क्लास में टिकट बुक करके, जो कि मेरे से नहीं बना था पेमेंट वेमेंट कट जाने के बाद भी। सो आज मैं एक बार एसी में ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना आईडी, तो कैप्चा फिल करके मैं लॉगिन कर रहा हूँ, साइन इन कर लिया। तो आपको बता दें कि आज मैं जस्ट कोशिश करता हूँ कि टिकट बुकिंग होता है कि नहीं। मैं हावड़ा से लेके आज बनारस तक का बुकिंग करना चाहता हूँ थर्ड एसी में। आप 9:59 हो चुका है, मैं 10 का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ट्रेन सर्च कर चुका हूँ, मुझे विभूति एक्सप्रेस में टिकट चाहिए, या एक हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल ट्रेन है, जो कि वो भी ट्रेन परफेक्ट टाइम से चलती है। विभूति एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 12333 है, जो रात को हावड़ा से 8 खुलती है और 9:30 बनारसी जंक्शन पे पहुंचा देती है। ये ट्रेन टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, ये गाड़ी कभी लेट भी नहीं करती है। तो अब जैसे कि एक हावड़ा अमृतसर मेल है जिसका गाड़ी नंबर 13005 है, ये हावड़ा से 7:15 में खुलती है और बनारस जंक्शन में 9:15 में बनारसी जंक्शन पहुँचा देती है। तो हमको अगर विभूति में मिलता है तो विभूति में, नहीं तो पंजाब मेल में हम टिकट ले लेंगे। तो देखिए, आप 10:00 है, मैं थर्ड एसी पे क्लिक कर रहा हूँ। थर्ड एसी पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट शो हो रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि ये बफरिंग होता ही होता है तत्काल के टाइमिंग पे, वो चाहे स्लीपर हो या एसी हो। तो ये बफरिंग शो हो रहा है, मैं देखता हूँ कि ये मतलब कितना देर बाद ओपन होता है और मैं टिकट बुक कर पाता हूँ या नहीं। अभी भी 10 रहा है, प्लीज़ वेट शो हो रहा है। क्या होगा देखते हैं। जैसे कि खुल चुका है, मेरा 40 अवेलेबल दिखा रहा है, मैं बुक नाउ पे क्लिक कर चुका हूँ। जैसे अभी भी 10:40 40 अवेलेबल है, देखता हूँ क्या होता है। पहले तो मैं इसको 1-2 के अंदर टिकट बुक कर पा रहा था। जैसे कि देख पा रहे हैं, खुल चुका है, मैं पैसेंजर का डिटेल्स दे रहा हूँ। तो पैसेंजर का नाम मैं फिल कर रहा हूँ, जेपी सिंह, एज 62 ईयर्स, नो प्रेफरेंस, कोई भी लोअर बर्थ, कन्फर्म बर्थ, नो एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इंटर द रिक्वायर्ड, क्या गलती हो गया। अच्छा, मेल वाला सिलेक्ट, जेंडर में सिलेक्ट नहीं किया था, जेंडर में सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर चुका हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखते हैं, अभी 10:01 हो चुका है, क्या होता है आज देखता हूँ। जहाँ तक उम्मीद है हो जाना चाहिए, क्योंकि आज ओपन होते ही लॉग आउट नहीं हुआ। कितना बार क्या होता था कि सिस्टम ऑटोमेटिक लॉगिन करने के बाद लॉग आउट हो जाता था, जो कि लॉग आउट नहीं हुआ। लगता है कि शायद आज बुकिंग हो जाए। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि 29 अवेलेबल अभी भी है, तो मैं जल्दी से कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू पर प्रेस करके कर दे रहा हूँ। कैप्चा फिल हो चुका है, कंटिन्यू पर मैं प्रेस कर चुका हूँ। देखता हूँ कि अब क्या होता है। अभी 10:02 हो रहा है, तो जहाँ तक लग रहा है कि अभी 29 अवेलेबल शो हो रहा था, शायद आज कंफर्म हो जाए, मे बी, क्योंकि 10:02 तो 10:03 हो चुका है। देखते हैं क्या होता है। अभी भी प्लीज़ वेट, ओपन हो रहा है। ओपन हो जाने के बाद मैं भीम यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ। भीम यूपीआई से पे एंड बुक नाउ पे क्लिक कर चुका हूँ मैं। इससे भीम यूपीआई से क्या होता है, थोड़ा पेमेंट फास्ट होता है, थोड़ा जल्दी बुकिंग हो जाती है। और मैं भीम यूपीआई से अगर पेमेंट करूँगा भी, तो मैं यूपीआई आईडी से पेमेंट नहीं करूँगा, मैं क्यूआर कोड स्कैनर से पेमेंट करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिर से एक बार एरर का मैसेज आ गया, अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। फिर से मतलब पेमेंट के समय में मेरे को ये एरर शो हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरा इंटरफेस लग रहा है पेमेंट का खुलने वाला है। तो जल्दी से मैं फ़ोन पे ओपन कर रहा हूँ अपना फ़ोन में। फ़ोन पे ओपन करने के बाद मैं क्यूआर कोड स्कैनिंग करके मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, इससे थोड़ा फास्ट बुकिंग होती है। तो मेरा फ़ोन पे खुल चुका है और मैं स्कैनर को यूज़ कर चुका हूँ। यूज़ करने के बाद मैं फ़ोन पे में पेमेंट भी कर दिया हूँ। अब यही प्रोसेसिंग ले रहा है IRCTC का वेबसाइट में।
मैं 10:04 में फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया हूँ QR कोड स्कैनिंग करने के बाद। देखते हैं टिकट हमें कंफर्म मिलता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा सीट कंफर्म नहीं मिला है। मेरा अगर यस करते हैं तो हमको वेटिंग टिकट मिल जाएगा, नो करेंगे तो हमको वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा, यहीं से मेरा कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसी में भी टिकट मिलना कितना मुश्किल हो गया है। अभी IRCTC का सर्वर इतना डाउन चल रहा है कि कोई भी टिकट बुक नहीं कर पा रहा। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।